नमस्कार, मैं प्रिया। आज 21 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विकास मिशन ने निकाली रिक्तियां। कोरोना को लेकर बिहार में जारी हुई नई गाइडलाइन। बिहार में नया कारखाना खोलने पर नहीं देना होगा रजिस्ट्रेशन चार्ज। बिहार में अगले बजट सत्र में इन्हें मिलेगी खास सुविधा। बिहार में शीतलहर के बीच बारिश और ओलावृष्टि के आसार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विकास मिशन ने निकाली रिक्तियां। बिहार विकास मिशन ने डेटा विश्लेषक, जिला पीएमयू लीड प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, एमआईएस से लीड विभाग, पीएमयू लीड खरीद और अनुबंध प्रबंधन विशेषज्ञ, वित्त विशेषज्ञ, मानव संसाधन और भर्ती विशेषज्ञ, आईटी विशेषज्ञ, लेखा अधिकारी, भूमि अधिग्रहण विशेषज्ञ, विपणन और ब्रांडिंग विशेषज्ञ, आईटी हेल्प डेस्क अधिकारी, हाउसकीपिंग, खरीद विशेषज्ञ, भूमि रिकॉर्ड विशेषज्ञ, ई लर्निंग विशेषज्ञ, कृषि विपणन विशेषज्ञ, लेखा विशेषज्ञ के कुल मिलाकर 221 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक विषय में स्नातक, मास्टर्स डिग्री या सीए या सीएमए या एमबीए या कृषि और संबंध विज्ञान में स्नातक, कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी या एमसीए या पीजी डिप्लोमा या बीई या बीटेक, बीफार्मा या बीकॉम की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 5 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bvm.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। कोरोना को लेकर बिहार में जारी हुई नई गाइडलाइन। बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है, जिसको देखते हुए ही बिहार में 21 जनवरी तक पाबंदियों को लागू किया गया था, जिसके बाद बीते दिन नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसकी जानकारी खुद सीएम नीतीश ने ट्वीट करके दी, जिसमें उन्होंने बताया कि पुराने कोरोना गाइडलाइन को 6 फरवरी तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार अब बिहार में नाइट कर्फ्यू 6 फरवरी तक लागू रहेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में मौजूदा तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ही बीते दिन सीएमजी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ही नया गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसके तहत ही अब जिम, मॉल और पार्क भी 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। साथ ही पूरे शिक्षण संस्थान भी 6 फरवरी तक बंद रहेगा। शादी ब्याह में भी पहले जैसे नियम को ही लागू किया जाएगा, यानी कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार में मिले कोविड-19 के 3500 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 3475 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 26673 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 38, अरवल में 15, औरंगाबाद में 47, बांका में 80, बेगूसराय में 120, भागलपुर में 111, भोजपुर में 46, बक्सर में 84, दरभंगा में 82, ईस्ट चंपारण में 85, गया में 130, गोपालगंज में 41, जमुई में 53, जहानाबाद में 8, कैमूर में 17, कटिहार में 89, खगड़िया में 55, किशनगंज में 49, लखीसराय में 64, मधेपुरा में 118, मधुबनी में 36, मुंगेर में 120, मुजफ्फरपुर में 156, नालंदा में 48, नवादा में 41, पटना में 745, पूर्णिया में 110, रोहतास में 69, सहरसा में 50, समस्तीपुर में 287, सारण में 121, शेखपुरा में 10, शिवहर में 9, सीतामढ़ी में 46, सिवान में 42, सुपौल में 49, वैशाली में 97, वेस्ट चंपारण में 99 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 38 दूसरे राज्यों से आए सैंपल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 151,253 सैंपल की जांच की गई। वहीं 7,277 लोग ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म आज ही के दिन साल 1986 को हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत एक भारतीय फिल्म अभिनेता, नर्तक, टेलीविजन व्यक्तित्व, एक उद्यमी थे। राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन धारावाहिक से की थी। उनका पहला शो स्टार प्लस का रोमांटिक ड्रामा किस देश में है मेरा दिल था, जिसके बाद एक पुरस्कार विजेता प्रदर्शन उन्होंने किया था जी टीवी के लोकप्रिय सोप ओपेरा पवित्र रिश्ता में। राजपूत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फ्रेंड ड्रामा काई पोचे से की थी। उनके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला था। इसके बाद उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी शुद्ध देसी रोमांस में और एक्शन थ्रिलर डिटेक्टिव बायोमिकेश बख्शी में टाइटैनिक जासूस के रूप में अभिनय किया। उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज व्यंग पीके में सहायक भूमिका के साथ आई थी। इसके बाद स्पोर्ट्स बायोपिक एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके काम पर हर एक बिहारवासी को फख्र है और हर बिहारवासी के दिल में हमेशा वो बसे रहेंगे। बिहार बोर्ड ने
डीएलएड स्पेशल एग्जाम का रिजल्ट किया जारी। बीते दिन बिहार बोर्ड ने डीएलएड स्पेशल एग्जाम के रिजल्ट को जारी कर दिया है, जिसके तहत ही अब जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो अपना रिजल्ट secondary.biharboardonline.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। ध्यान रहे, रिजल्ट चेक करने के लिए सभी परीक्षार्थी सबसे पहले secondary.biharboardonline.com पर जाएं, उसके बाद रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें। यहां आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रिजल्ट ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल एग्जाम 2020 के लिंक पर क्लिक करें। नई विंडो खुलने पर अपना रोल कोड और रोल नंबर डालकर परिणाम चेक कर सकते हैं। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की 22 गुना बढ़ी संख्या। बिहार में नीतीश कुमार ने जब से सत्ता की बागडोर संभाली है तब से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है, जिसका प्रमाण अब बिहार में भी दिखने लगा है, क्योंकि नीतीश सरकार के प्रयास के बाद ही अब बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला, जिसके तहत बिहार पुलिस में साल 2005 की बात करें तो उस समय सिपाही से लेकर दरोगा तक मात्र 867 महिलाएं थी। इनमें 805 सिपाही, 11 एएसआई और 51 एसआई के पद पर कार्यरत थी, पर पिछले 16 वर्षों के रिकॉर्ड को देखें तो हालात बिल्कुल बदल गए हैं। आलम कुछ यूं है कि साल 2005 के मुकाबले इनकी संख्या में 22 गुना से ज्यादा अधिक वृद्धि हुई है, जिसके बाद अब आपको बिहार में हर जगह पर महिला पुलिसकर्मी जरूर दिखेगी। बिहार सरकार बाल सहायता योजना के तहत दे रही है इतने रुपए। बिहार सरकार आम जनता के विकास के मद्देनजर कई सारे स्कीमों को चला रही है। इसी बीच बिहार सरकार के एक और योजना की चर्चाएं इन दिनों तेज हो गई है, और वह योजना है बिहार सरकार बाल सहायता योजना। इस योजना के तहत वैसे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है और कोरोना से अनाथ हुए हैं तो उनके परवरिश के लिए हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 30 मई 2021 को बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना का आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से उन बच्चों को आर्थिक और आवासीय सहायता प्रदान की जाती है जिनके माता पिता की मृत्यु या फिर माता पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण चली गई हो। ऐसे सभी बच्चों को 18 साल की आयु होने तक 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। बिहार में शीतलहर के बीच बारिश और ओलावृष्टि के आसार। बिहार में शीतलहर का आलम देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि बिहार के कई जिलों में बीते दिन भी कोल्ड डे जैसी स्थिति देखने को मिली। हालांकि अभी बिहार वासियों को ठंड की मार से राहत मिलने की कोई उम्मीद बनती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार में बारिश को लेकर अपना अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत मौसम वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि अगले 24 घंटे में 10 जिले में कोल्ड डे जैसी स्थिति बने रहने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर कहा कि 22 और 23 जनवरी को पटना सहित राज्य के कई जिलों में बारिश और ओले गिरने के आसार है। 24 जनवरी के बाद मौसम में आंशिक सुधार होने की उम्मीद है। बिहार में नया कारखाना खोलने पर नहीं देना होगा रजिस्ट्रेशन चार्ज। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और उद्योग लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। कोरोना काल में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने नया निर्णय लिया है, जिसके तहत ही अब आपको बिहार में उद्योग लगाने के लिए किसी भी तरीके के रजिस्ट्रेशन चार्जेस को नहीं देना होगा। यानी कि अब बिहार में अब कहीं भी नया कारखाना खोलने पर पंजीकरण शुल्क आपको नहीं लगेगा। श्रम संसाधन विभाग की तरफ से बनाई संहिता में ये प्रावधान किया गया है। हालांकि शर्त यह है कि संचालन कारखाना खोलने के 60 दिनों के भीतर पंजीकरण करा ले। अगर अवधि में पंजीकरण नहीं कराया तो फिर संचालकों को विलंब शुल्क देना होगा। शिक्षक नियोजन को लेकर नगर निकायों में काउंसलिंग हुई पूरी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के तहत निर्धारित स्केड्यूल के मुताबिक पहले 3 दिन का कार्यक्रम समाप्त हो गया है, जिसके तहत कुल 460 रिक्तियों के विरुद्ध विभिन्न कोटियों के कुल 207 अभ्यर्थियों का चयन अंतिम रूप में किया गया। इसको लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खुशी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार ने अभ्यर्थियों से जो वादा किया था विषम परिस्थितियों के बावजूद उसे शिक्षा विभाग ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। बताया कि 3 दिनों के बीच 35 शहरी नगर निकायों की 35 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई है। उम्मीद है कि बिहार में शिक्षक नियोजन के सभी बचे कामों को समय पर पूरा किया जाएगा। शराबबंदी को लेकर 6 साल में दर्ज हुए 3 लाख से ज्यादा मामले, मगर सिर्फ 1200 लोगों को ही सजा क्यों? बिहार में कहने को साल 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है, जिसके कारण ही पिछले इतने सालों में 3 लाख से ज्यादा मामले तो दर्ज किए गए, लेकिन हैरानी की बात यही है कि 3 लाख से ज्यादा दर्ज मामलों में सरकार सिर्फ 1200 लोगों को सजा दिलवाने में कामयाब हो पाई। जानकारों की माने तो बिहार पुलिस के अनुसंधान में कमियों की वजह से शराबियों को या तस्करों को आसानी से जमानत मिल जा रही है। वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास की माने तो उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत सजा की दर कम होने का मुख्य कारण है कि पुलिस अपनी अच्छी छवि को कायम रखने के लिए जबरदस्ती मामले दर्ज कर लेती है, बाद में बिना साक्ष्य और सबूत के अभाव में आरोपियों को आराम से बेल मिल जाता है। बिहार पुलिस की जांच का स्तर काफी गिर गया है। बिना साक्ष्य और सबूत के एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया जाता है।
बिहार में जल्द ही भरे जाएंगे 1 लाख और शिक्षक के पद। बिहार में इन दिनों शिक्षकों की बहाली को लेकर एक के बाद एक कदम बिहार सरकार भी उठा रही है। यही कारण है कि वर्तमान समय में जहां एक तरफ बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का काम हो रहा है, अब बिहार में और 1 लाख शिक्षकों की बहाली को लेकर बड़ी बात कही गई है। चल रही मीडिया खबरों के अनुसार बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए सरकार अब रोजगार सृजन वाली शिक्षा के नए दौर में प्रदेश के युवाओं को ले जाने के प्रयास में है। यही कारण है कि नए साल में भी प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में खाली पदों पर करीब 1 लाख से ज्यादा नियुक्तियों की तैयारी चल रही है। इसी तरह सभी विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों पर शिक्षकों के भरने की प्रक्रिया जारी है। बिहार में अब बार बार नहीं गुल होगी बिजली। बिहार में अब बिजली गुल होने की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में अब बिजली गुल होने ही नहीं वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के औरंगाबाद जिले के नवी नगर में NPGC बिजली घर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जिसके बाद से अब इससे जल्द ही बिहार को 559 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। उम्मीद है कि 26 जनवरी से इस बिजली घर की तीसरी यूनिट के 72 घंटे का फुल लोड ट्रायल रन शुरू होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये कुल 9,412 करोड़ की परियोजना है, जिससे 1980 मेगावाट बिजली होगी। सबसे खास बात यह है कि इसमें 1683 मेगावाट बिजली बिहार का है। एलपीजी ग्राहकों के खाते में नहीं आ रही सब्सिडी की राशि। बिहार में एलपीजी ग्राहकों के खाते में सब्सिडी की राशि अब तक आती रही थी, लेकिन बीते कुछ समय से ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से लगभग नियमित सब्सिडी राशि उपभोक्ताओं को भेजने का दावा फेल साबित हो रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार बैंक खाते में आधार डीलिंक होने के कारण भी सूबे के हजारों एलपीजी ग्राहकों को सब्सिडी मिलने में परेशानी हो रही है। बैंकों के मर्ज हो जाने के कारण बड़ी संख्या में ऐसे एलपीजी उपभोक्ता है जिनका खाता आधार से लिंक्ड हो गया है। इसके कारण ग्राहकों को सब्सिडी राशि खाते में नहीं आ पा रही है। से ग्राहकों को संबंधित कंपनी की एजेंसी के प्रबंधक फिर से बैंक खाते को आधार से लिंक कराने को कहा जा रहा है। इंटर की परीक्षा में ऐसे मिलेगा उत्तर पुस्तिका और OMR शीट। बिहार में जल्द ही इंटर की परीक्षा की शुरुआत होने वाली है। वहीं परीक्षा को लेकर अहम जानकारी साझा की गई है, जिसके तहत इंटर परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका और OMR शीट के अनुसार ही परीक्षार्थी बैठाए जाएंगे। यानी परीक्षार्थी के रोल नंबर के अनुसार ही कक्षा में उत्तर पुस्तिका और OMR शीट दी जाएगी। इन तीनों का मिलान हर परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक करेंगे। इसको लेकर बिहार बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड की तरफ से सभी जिला शिक्षा कार्यालय को इसकी जानकारी भी भेज दी जा रही है। बोर्ड की माने तो हर परीक्षार्थी के विवरण वाली उत्तर पुस्तिका OMR उत्तर पत्रक उपस्थिति पत्रक भेजा जा रहा है। बिहार में अगले बजट सत्र में इन्हें मिलेगी खास सुविधा। राज्य के अगले बजट सत्र को जारी करने को लेकर अभी से ही बिहार में तैयारियां तेज कर दी गई है। इसको लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी लगातार जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बिहार में जल्द ही पेश होने वाले बजट को लेकर बड़ी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि अगले बजट में सरकार छोटे उद्योगों, बुनकरों और महिला उद्यमियों को अधिक सुविधा देगी। इसको लेकर हाल ही में तारकिशोर प्रसाद ने बजट के पहले तैयारी के सिलसिले में उद्योग और सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद ही उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार उद्यम और उद्यमिता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए जो भी बेहतर उपाय होंगे, सरकार उन पर गंभीरता से विचार करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए VIP ने जारी की दूसरी सूची। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार की राजनीतिक पार्टियां भी जोर शोर से काम कर रही है। इसी कड़ी में VIP पार्टी ने भी हाल ही में अपनी पहली सूची जारी कर दी थी, जिसके बाद पार्टी ने दूसरी सूची भी जारी कर दी है। जारी किए गए सूची में पार्टी ने यशवीर सुल्तानपुर सदर से जयप्रकाश निषाद, कादीपुर से संतोष कुमार, सोनपुर प्रतापपुर से कमल मुगलसराय से शैलेश निषाद और 96 से राधिका बेलदार को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसकी जानकारी VIP पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों का नाम पार्टी ने जारी कर दिया है। जंक्शन पर अब बनेगा शॉपिंग मॉल। पट्टा जंक्शन पर आपको जल्द ही शॉपिंग मॉल नजर आने वाला है, क्योंकि जंक्शन पर शॉपिंग मॉल बनाने में आ रही बाधा को अब दूर कर लिया गया, जिसके बाद ही अब रेलवे कॉलोनी की जमीन पर शॉपिंग मॉल और आवासीय कॉम्प्लेक्स बनाने के रास्ता अब साफ हो गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शॉपिंग मॉल के निर्माण के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण को 7,361 वर्ग मीटर खाली जमीन सौंप दी गई है। इस जमीन पर बने रेल कर्मियों के आवासों को पहले ही तोड़ दिया गया है। RLDA की तरफ से इस जमीन को 99 साल की लीज पर देने के लिए टेंडर आमंत्रित किया गया, जिसके तहत अब टेंडर के पहले इच्छुक बिल्डरों के साथ 25 जनवरी को प्री टेंडर बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद आगे के कामों को किया जाएगा। एमएलसी चुनाव के लिए राजद ने तय किए अपने 20 उम्मीदवार। राजनीति में कौन अपना कौन पराया, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनावी समीकरण साधने के लिए तो कई पार्टियां एक दल का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन समय के साथ सांठगांठ न बनने के कारण दरार पैदा ही होने ही लगती है। ऐसा ही कुछ इन दिनों बिहार के महागठबंधन दल में भी देखने को मिल रहा है।
उपचुनाव के समय उठी मनमुटाव की लौ अभी भी बुझी नहीं है। यही कारण है कि बीते दिन बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राजद की तरफ से 20 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। जानकारों की माने तो राजद कांग्रेस के कमजोर प्रत्याशी के लिए इस बार कोई सीट छोड़ने के मूड में नहीं है। खबरों की माने तो राजद ने इस बार टिकट अपने उन कैडर नेताओं को दिया है जो कमर से मजबूत यानी कि धन बल में दमदार है। पार्टी ने इसका भी ख्याल रखा है कि ज्यादातर उम्मीदवार 50 से कम प्रताप ने खुद को बताया कृष्ण का वंशज। तेज प्रताप भले ही बिहार की राजनीति में सक्रिय कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, लेकिन उनकी सक्रियता धार्मिक कामों में बखूबी देखने को मिलती है, जिसकी झलक आपको तेज प्रताप के वीडियोस में आजकल देखने को जरूर मिल जाती होगी, क्योंकि इन दिनों तेज प्रताप यादव ब्लॉगिंग का काम कर रहे हैं। अब तक उन्होंने कई वीडियोस बना लिए हैं। इसी कड़ी में अब तेज प्रताप यादव ने अपना यूट्यूब ब्लॉग पर एक नया वीडियो शेयर किया है। वीडियो में तेज प्रताप यादव ने लोगों को नंदगांव की सैर कराई है, साथ ही इस दौरान उन्होंने खुद को कृष्ण का वंशज भी बताया है। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम 2021 का ऐलान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 का ऐलान कर दिया है। साल 2021 की बेस्ट टेस्ट टीम में भारत के 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इतने ही खिलाड़ी इस टीम में पाकिस्तान के भी शामिल है, जबकि न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ियों को मौका मिला है। 2021 के लिए चुनी गई आईसीसी बेस्ट 11 के कप्तान केन विलियमसन है, जिन्होंने अपने देश को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जिताया है। वहीं इसमें भारत के जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है उसमें ओपनर रोहित शर्मा, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और स्पिनर आर अश्विन का नाम शामिल है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। असम का नेफा क्षेत्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी 1972 में केंद्र शासित अरुणाचल प्रदेश बना। भारत ने 2008 में इसराइल का एक जासूसी सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर उसे सफलतापूर्वक पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया। साल 2007 का हॉल ऑफ फेम अवार्ड की लिस्ट में 2008 को पूर्व क्रिकेटर इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का नाम शामिल किया गया। कर्नाटक के बीदर में 2009 को वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान सूर्य किरण दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 1945 में प्रख्यात वकील और स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की मृत्यु हुई। 1963 में हिंदी साहित्य के एक पत्रकार, उपन्यासकार, संपादक और कहानीकार शिव पूजन सहाय की मृत्यु हुई। आज ही के दिन सुशांत सिंह राजपूत का जन्म भी हुआ था। अब मुफ्त में नहीं चला सकेंगे इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम चलाने के लिए अब आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपने सही सुना, इंस्टाग्राम यूजर को जल्द ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। खबरों की माने तो इंस्टाग्राम पर एक नए सब्सक्रिप्शन फीचर को लाया जा रहा है। इसके तहत कंटेंट एक्सेस करने के लिए यूजर को हर महीने 73 रुपए देना होगा। कंपनी का कहना है कि इससे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को फायदा होगा। फिलहाल कंपनी ने इस पेड फीचर के बारे में ऑफिशियल पॉलिसी जारी नहीं की है। इसको लेकर मेटा फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने बीते दिन ही अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि वो इंस्टाग्राम में क्रिएटर के लिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल की टेस्टिंग कर रहे हैं। ये सब्सक्रिप्शन फीचर अभी अमेरिका तक ही सीमित है। इसका मकसद है यूजर अपने पसंदीदा क्रिएटर की सब्सक्रिप्शन ले सके। दूसरी तरफ क्रिएटर को इससे पैसे भी मिलेंगे। बिहार में जमीन के 1,25,00,000 रजिस्ट्री दस्तावेज होंगे नष्ट। बिहार भर के निबंधन कार्यालय में लावारिस पड़े दस्तावेज को नष्ट करने की प्रक्रिया बिहार में शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार निबंधन कार्यालयों में लावारिस पड़े करीब 1,25,00,000 से अधिक निबंधन दस्तावेज यूं ही पड़े हैं, जिन्हें अब नष्ट करने का काम किया जा रहा है, जिसमें 1990 से लेकर 2019 तक के वास्तविक निबंध दस्तावेज भी शामिल है। इसको लेकर मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर इस पर समीक्षा के क्रम में पाया है कि निबंधन कार्यालय में लंबे समय से लावारिस दस्तावेज पड़े हैं। इसके तहत निबंधन होने के कई सालों के बाद भी मूल कॉपी लेने वाले मालिक आए ही नहीं है। उसके बाद ही एक महीने की सार्वजनिक नोटिस भी दी गई, जिसकी समय सीमा 15 जनवरी तक ही थी, और अब इसे नष्ट करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें से 80-85% दस्तावेज सिर्फ कटिहार जिले के हैं। इसके बाद पटना में 10,000 से अधिक दस्तावेज को नष्ट किया गया। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 20 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,400 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,920 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर, डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें लगा है उनके नाम है करिश्मा, माला कुमारी, महासेठ माइकल, ऑफिशियल गौतम कुमार, रुपेश कुमार, निरंजन कुमार, आरपी सिंह, विजय घायल, विनीता कुमारी, महासेठ सिंह, रणधीर कुमार, राहुल कुमार, सद्दाम खान, अनु कुमार, मुकेश कुमार, उमेश महतो। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार की तरफ से कोविड-19 से बचाव के लिए जारी प्रतिबंधों को 6 फरवरी तक लागू करने का फैसला कोविड-19 के रोकथाम में कारगर साबित होगा या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।